हेलो फ्रेंड्स, फूड मसाला मिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही थी नाश्ते में दलिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी को शेयर कर दिया जाए। तो दलिया दलिया के लिए यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप दलिया, 1 कप दूध, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 टीस्पून घी देसी, 4 टीस्पून चीनी। मैंने ले लिया कुकर, गैस को मीडियम रखा है, इसमें डाल दे रही घी। ये देखिए घी मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं लौंग और इलायची। इसके बाद मैं ऐड करूंगी दलिए को और इसे अच्छे से भून लेंगे गोल्डन कलर होने तक। देखिए दलिया भुन चुका है, गोल्डन कलर हो चुका है दलिए के। और आप जितना अच्छा दलिए को भूनोगे उतने ही अच्छा दलिया आपका बनेगा और खुशबू भी अच्छी आने लगी है भुनने की। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। जिससे मैंने दलिया लिया था आधा कप, उसी से मैं 2.5 कप पानी ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने डाल दी यहाँ पर चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर आपको कम चीनी पसंद है तो आप कम ले लीजिए। मैं लीट मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्रेशर निकाल देंगे। ये देखिए दलिया बन चुका है। अब हमें इसमें भरना है दूध को ऐड। मैंने दूध को ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद मैं इसे 1 मिनट तक और बना और इसका और अच्छा टेस्ट आता है। एक मिनट हो चुका है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए बनके रेडी है मेरा दलिया और इसका टेक्सचर देखिए आप कितना अच्छा है। आप इसे ट्राई करके बताना कि आपको ये दलिया की रेसिपी कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट का यूज़ करना चाहें तो ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर पर दलिया में किसी को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं। मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर। मिलती हूँ अपनी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।